बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में छोटी मोटी असावधानियां बड़ी बीमारियों का सबब बन सकती हैं? अब देखिए ना, इन दिनों हवा में धूल और हानिकारक कण है, फिर बात चाहे पराली या भूसा जलाने की हो या फिर कुछ और हो। प्रदूषण एक पर्यावरणीय स्वास्थ्य समस्या तो है ही, लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रदूषण का लेवल कम होते ही आप खतरे से बाहर आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि प्रदूषण से हमारी बॉडी के लगभग सभी अंग प्रभावित होते हैं। अस्थमा, सिर दर्द, आंखों में जलन और एंजाइटी या फिर डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं भी होती हैं। इसका असर हमारे दिल, दिमाग, पाचन तंत्र और त्वचा पर भी पड़ता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सावधानी और जागरूकता बनाए रखने की। प्रदूषण से रिलेटेड बहुत सारी बातें आज के अंक में हम जानेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे कि दमा यानी अस्थमा होता क्यों है और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। यदि आपको भी श्वास या फिर एलर्जी से जुड़ी कोई समस्या है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113-060 और 1800-113-061। ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं, यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप कॉल करेंगे तो कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय क्या है, आइए सबसे पहले आपको बता दें। आज के कार्यक्रम का विषय है वायु प्रदूषण से होने वाली श्वसन और स्वास्थ्य समस्याएं, बचाव और जागरूकता। जी हाँ, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और जो भी आपकी समस्याएं हैं उनके समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। परिचय करवा देते हैं, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में श्वसन चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली से हैं प्रोफेसर डॉक्टर आनंद मोरे। आप भी श्वसन विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे दोनों ही विशेषज्ञ हमें बताएंगे कि श्वास की समस्या का जो खतरा है वो किन लोगों को रहता है, क्या ये अस्थमा के अटैक का भी कारण बन सकता है, आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं तहे दिल से आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। तो बिल्कुल, आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, चर्चा की शुरुआत करें, जानकारियां आप तक पहुंचाने की शुरुआत करें, उससे पहले देखते हैं वायु प्रदूषण पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट। देश के ज्यादातर हिस्सों में ठंड बढ़ने लगी है, वायरल फीवर से भी लोग परेशान हैं। उस पर स्मॉग और पॉल्यूशन के कारण स्वस्थ रहना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। दिन प्रतिदिन निमोनिया, फ्लू, अस्थमा और COPD के मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में देखी जा सकती है। इसी मौसम में न केवल श्वास की नली सिकुड़ने से सांस की परेशानी बढ़ जाती है, बल्कि बच्चे और बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण नाक, गले की एलर्जी और वायरल संक्रमण के मामले भी बढ़ जाते हैं। वैसे बता दें कि नमी होने की वजह से हवा भारी हो जाती है और भारी होने की वजह से यही हवा ऊपर उठने की बजाय जमीन के आसपास बनी रहती है। ऐसे में धूल और धुएं के कण सांस के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हम अक्सर वायु प्रदूषण के बारे में तो सुनते हैं और ये भी देखते हैं कि जब हम घर से बाहर आते हैं तो एक धुंध सी दिखाई पड़ती है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि यह ठंड से होने वाली धुंध है या फिर कुछ और है। जी हाँ, यह एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को कंफ्यूज कर देता है कि यह फॉग यानी सामान्य कोहरा है या फिर स्मोक यानी जानलेवा धुआं है। गौरतलब है कि स्मोक और फॉग देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये बनते अलग अलग तरीके से हैं। फॉग जहां हमेशा नीचे की ओर जाता है तो स्मॉग यानी धुआं हवा में तैरता रहता है और जहरीले कण को ट्रांसफर करता रहता है, और फिर
जब हम श्वास के जरिए इसे अंदर लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए आप भी इस जहरीले धुएं को कोहरा समझने की भूल मत कीजिएगा। ये फेफड़े में एक बार गया तो जान लीजिए इसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बता दें, ऐसी हवा में सांस लेना यानी ऐसी जहरीले हवा में सांस लेना एक दिन में कम से कम 15 सिगरेट पीने के बराबर होता है। बता दें कि जब फॉग यानी कोहरा और स्मोक यानी धुएं का कॉम्बिनेशन होता है तब ये खतरनाक और जानलेवा हो जाता है। इस तरह के जहरीले धुएं पावर प्लांट में देखे जा सकते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के रूप में देखे जा सकते हैं और तो और कूड़े करकट और फसलों के पराली को जलाने से भी आते हैं। धू धू कर जलती पराली की आग से धुएं का गुबार जो उठता है वो न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है बल्कि श्वास की बीमारी के अलावा आपके सेहत को भी पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। बहरहाल किसान भाइयों को एक बात बता दें, वैसे बता दें कि पराली के जलने से सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को होता है तो वो केवल किसान भाइयों को ही होता है, उनके खेतों को ही होता है। और वो इसलिए कि खेतों की जमीन के सूक्ष्म जीवाणु मित्र कीट और पोषक तत्व आग में जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे आपकी अगली फसल में खाद की मात्रा तो बढ़ानी ही पड़ती है, साथ ही फसलों में बीमारी होने का भी खतरा रहता है। इसलिए मेरी सलाह मानिए तो आप इसे इकट्ठा करके पशुओं के चारे में यूज कीजिए, पशुओं का चारा बनाइए, इसकी गांठे बना करके बाजार में बेचिए। बता दें, पराली कोई समस्या नहीं है, वो बेशकीमती है। इसलिए पराली को समस्या नहीं वेल्थ बनाइए, स्वस्थ रहिए, जीवन बचाइए। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी एक बेहतरीन रिपोर्ट उस जानकारी की जो आपको जागरूक रख सकती है। बहरहाल करते हैं हमारी बातचीत की शुरुआत और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, मौसम जब बदलता है तो समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। जैसे कि हम पोल्यूशन भी देख रहे हैं, उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिससे बीमारियां भी लगातार हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर आनंद मोरे, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का असर पड़ता है? आयुर्वेद में इस प्रकार के जनपदों स्वैधी वर्णन किया गया है, जिसमें दूषित वायु, जल, देश और काल, इनकी दुष्टि होने के कारण अलग अलग प्रकार के व्याधि हो सकते हैं। इसमें दूषित वायु जो है, जो एयर पोल्यूशन है, इस एयर पोल्यूशन के कारण बहुत सारे प्राण व स्रोत के व्याधि हो सकते हैं, लेकिन इसका असर ना कि प्राण व स्रोत पर होता है बल्कि बाकी सिस्टम पर भी होता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, या स्किन हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो, इन सारे सिस्टम पर इसका असर होता है, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के व्याधि होते हैं। तो इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर बचाव बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि विकल्प है हमारे पास, कि पहले ही हम बचाव की ओर ध्यान देंगे तो इलाज की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अब मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। हालांकि जो वायु प्रदूषण है एक परिचित पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरा है, शरीर के लिए कितना बड़ा खतरा बनकर उभर सकता है, ये इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय लेना चाहेंगे इस पर? वायु प्रदूषण से दो तरह के पार्टिकल्स, जैसे PM 2.5, PM 10, जैसा कि आप आजकल ट्रैफिक लाइट के पास भी देखते होंगे, तो PM 10 और जो लेस देन 10 माइक्रोमीटर के पार्टिकल हैं, वो सीधा अंदर तक गहराई में फेफड़े में चले जाते हैं और वो अदर पार्ट ऑफ बॉडी में भी जाकर नुकसान करते हैं। पहले सबसे पहले ऊपर नाक से शुरू करें तो साइनोसाइटिस, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस और फिर ब्रोंकाइटिस होने लगता है। जैसे कि सिगरेट से आप सभी को मालूम है, ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी होती है, दूसरा अस्थमा होता है, तो ये और अस्थमा के इंसिडेंस और प्रिवेलेंस को बढ़ा देती है तकलीफ। तो जैसा कि देखा गया है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या अचानक नवंबर के सीजन में बढ़ने शुरू हो गई है, तो इसमें बहुत सारा कारण जो है वायु प्रदूषण के कारण वो एक्सेसर्वेशन ऑफ द डिजीज़ हो जाता है। अटैक ऑफ अस्थमा, एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा भी पड़ रहा है जी। दूसरा हेडेक और डिजीनेस, चक्कर आना, इस तरह की भी समस्याएं, कई तरह की यहाँ पर समस्याएं हो जाती हैं, स्वास्थ्य पर विपरीत हम कह सकते हैं प्रभाव बिल्कुल पड़ता ही है। तो ऐसे में बिल्कुल हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। किस तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन आज के हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार मिश्रा जी। मैं जानना चाहता हूँ कि शुद्ध वायु लेने के लिए उसका जो है इंडेक्स कितना होना चाहिए, दूसरी चीज जो हम लोग शोरगुल होता है, इसका जो है
स्पिलर कितना असर होना चाहिए, और जैसे पानी आनी हम पीते जो ये जो प्रदूषित पानी होता है या शुद्ध पानी का जो है ये क्या टीटीएस कितना होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे, शुद्ध हवा शुद्ध पानी के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं डॉक्टर वर्मा। ये इसमें AQI जो है शुद्ध हवा की थोड़ा सा जब प्रदूषण फ्री वातावरण में ये लेस देन 50 होती है तो सबसे बढ़िया वेरी गुड रहता है और 100 तक भी एक्सेप्टेबल है जी। तो अगर इतना है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स तो अच्छा है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स और देशों में पहले यूज होता था, 1984 के बाद इंडिया में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। तो इसमें देखा गया है कि और जो हानिकारक गैसेज हैं सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये बिल्कुल मिनिमम मात्रा में रहती हैं। तो ये लेस देन 100 और लेस देन 50 हो तो बहुत ही अच्छा है, 50 से कम AQI होता है तो बहुत ही अच्छा है। कई विदेशों के देशों में यूरोप में और कंट्रीज में AQI काफ़ी कम रहता है, आसमान बिल्कुल नीला साफ नज़र आता है। कई बार हमारे यहाँ डस्की और हेज दिखाई देती है तो वो हेज शहरों में ज़्यादा है जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कलकत्ता चेन्नई मुंबई दिल्ली, तो इसमें इन देशों इन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ये फैक्ट्री और प्रदूषण के कारण ही बढ़ा हुआ रहता है। बिल्कुल, अगर शुद्ध पानी का जिक्र किया जाए तो इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? शुद्ध पानी में तो TDS कम होना चाहिए, यूजुअली 100 या 150 तक TDS होता है। बट इसके बारे में मैं बीइंग मेरी स्पेशलिटी का फील्ड नहीं है जी जी, लेकिन ये 100-150 तक होता है तो ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है जैसे कि हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो मैम, नमस्ते जी। नमस्कार विपिन सागर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था मैम कि वायु प्रदूषण अक्टूबर नवंबर में ही क्यों है और लगातार बहुत कम है तो बिल्कुल, जितना हम आपका जो सवाल है वो समझ पा रहे हैं उसके अनुसार आप यही जानना चाहते हैं कि वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो अक्टूबर और नवंबर के दौरान ही क्यों बढ़ जाता है, बाकी समय थोड़ा सा सामान्य भी रहता है, तो ऐसे में डॉक्टर वर्मा क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम देखिए, इसमें अक्टूबर नवंबर में एक तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, दूसरा विंड वेलोसिटी और विंड फ्लो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस समय जो हवा का रुख है वो नॉर्थ से साउथ, वो इंडिया के अंदर जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ मूवमेंट होती है, जैसे कि पंजाब से दिल्ली की तरफ मूवमेंट हो रही है एयर विंड की, तो उसके कारण अगर पोल्यूशन पहले से है तो वो डिसेमिनेट हो जाता है, थोड़ा स्लो होके वहीं पे वो एग्जिस्ट होके कई बार स्मोक में चेंज हो जाता है, जिसे स्मोक का मतलब हो गया फॉग प्लस स्मोक दोनों चीज़ें उसमें कम्बाइन हो गई, तो इसका कलर अगर पोल्यूशन है तो वो थोड़ा ब्राउनिश हेज आने लगती है वहाँ पे, तो ये रीजन है बेसिकली तो हवा का और दूसरा ये थोड़ा सा रुख बदलता है उसके चलते प्रदूषण का जो स्तर है बढ़ता है, कई बार पराली भी उसमें कंट्रीब्यूट कर देती है। बिल्कुल डॉक्टर मोरे, आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे इस संदर्भ में? आप इस दिवाली के सीजन में स्पेशली पराली जो हम कहते हैं उस पराली के कारण भी पोल्यूशन बढ़ाने में इसकी मदद होती है, लेकिन पराली एक बहुत छोटा कारण है, इसके साथ साथ जो बड़े शहरों में जो पोल्यूशन हो रहा है वो मेन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट के कारण होता है, जो व्हीकल्स रहते हैं जो BS6 के नीचे जो व्हीकल है उन व्हीकल्स के कारण जो धुआं निकलता है उसके कारण पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसके साथ मेट्रो सिटीज़ में जो एयर ट्रैफिक है उस एयर ट्रैफिकिंग के कारण भी ये पोल्यूशन बढ़ता है, और बढ़ती हुई इंडस्ट्री जो है इस इंडस्ट्री के कारण यहाँ ये धुआं बाहर निकलता है और जिसके कारण ये हवा जो है इसका प्रदूषण हो जाता है, हवा में काफ़ी जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ जाता है जिससे ना केवल हमारे को सांस से संबंधित समस्याएं होती हैं बल्कि हमारे शरीर के काफ़ी अंग प्रभावित हो जाते हैं। शुरुआत में भी मैंने यहाँ पर जिक्र किया था कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि पोल्यूशन का स्तर कम हो जाएगा उसके बाद हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा हर अंग शरीर का प्रभावित होता ही है। तो ऐसे में डॉक्टर मोरे आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की परेशानियाँ होती हैं जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है? प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण हमें अलग अलग प्रकार के ये कंप्लेंट्स पेशेंट लेकर हमारे पास आता है। इन दिनों में स्पेशली सर्दी खांसी से लेकर पेशेंट की शुरुआत होती है, और जैसे ही ये टेम्परेचर कम होता है इसके साथ ये अस्थमा वाले पेशेंट जो है इन पेशेंट में बढ़ोतरी हमें दिखाई देती है जी। लेकिन इतना ही नहीं, बाकी जो है जैसे जैसे टेम्परेचर और डाउन होता है और ये पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन का असर
जैसे मैंने बताया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है, स्किन पे होता है, तो इन सिस्टम के भी पेशेंट हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इस सीजन में हमें इन सारे बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तमाम समस्याएं हैं, केवल हमें सांस से संबंधित ही परेशानियां नहीं होती बल्कि हमारे हृदय पर भी, पाचन तंत्र पर भी इसका असर पड़ता है। ऐसे में हमें सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। तो किस तरह की सावधानियों की सलाह यहां पर डॉक्टर वर्मा हम दे सकते हैं हमारे सभी दर्शकों को, ताकि बीमारी से पहले ही बचाव की ओर वो अपने कदम बढ़ा सके? सबसे जरूरी है कि हमें प्रदूषण से बचने के लिए बाहर निकलते समय अगर स्मोग है तो फिर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, कोविड ने मास्क पहनना तो सिखाया ही है, तो ऐसे में इसमें हमें लगता नहीं ज्यादा परेशानी भी होगी। बिल्कुल। दूसरा जो है, समय पे जैसे थोड़ा सा ही शुरुआत होती है, सांस फूलना, खांसी आना, तो इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाकर आप, ताकि वो अटैक पूरे फुल अटैक ऑफ अस्थमा में ना बदल जाए, तो इसलिए जल्दी ही तुरंत डॉक्टर से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर आप सलाह ले सकते हैं। तीसरा जो है, गाड़ियों का उपयोग थोड़ा, जैसा कि दिल्ली में आंकड़ा शो करता है 82% व्हीकल जो है वो टू व्हीलर भी हैं और फोर व्हीलर भी हैं, तो जो व्हीकल हैं वो प्रदूषण जांच उनकी नियमित समय पर भी होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो बरतने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में एक छोटी ही सी ही सही लेकिन भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर सिर दर्द, आँखों में जलन और एनजाइटी, यहाँ तक कि डिप्रेशन की भी बात कही जाती है कि अगर मौसम बदलता है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो ये भी कहीं ना कहीं समस्याएँ उजागर होती हैं। तो डॉक्टर मोरे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसका असर जो है प्रदूषण का, ये लॉन्ग स्टैंडिंग असर रहता है, ये बहुत दिनों से अगर इस प्रकार के प्रदूषण के अवस्था में हम रहते हैं तो इसका असर अलग अलग सिस्टम पर हो जाता है और ये इसके कारण ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती है। लेकिन तो कारण क्या होता है कि इतने लंबे समय तक के जो असर है वो बना रहता है और वो एक समय में ज़्यादा बड़ी समस्या बन जाती है? बेसिकली इस हवा में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रेस्पिरेशन के माध्यम से शरीर के अंदर जाते हैं या फेफड़ों में जाते हैं, और फेफड़ों में से रक्त के माध्यम से सारे शरीर में फैल जाते हैं, और इसके कारण ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो इस बीमारी को अगर हमें ढंग से रोकना है तो हमें इस बीमारी के पहला जो कारण है वो निदान परिवर्जन। आयुर्वेद का जो चिकित्सा सिद्धांत है कि निदान परिवर्जन, निदान का त्याग करना चाहिए। जैसे पुष्पेंद्र सर ने कहा कि हमें बाहर निकलते समय मास्क पहनना चाहिए, तो मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके हम इसको हम रोक सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार यही बात सामने आ रही है कि सावधानी अगर हम पहले ही बरत लें तो कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आएगी ही नहीं, हम उसे पहले ही रोक लेंगे। तो ऐसे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, फिर हमारी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश से शिव कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। शिव कुमार दुबे मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम जी। हाँ, चलने में स्वाद भराती है मैडम, सुबह रो बीपी की शिकायत है। चलने में आप जब चलते हैं तो सांस फूलती है और बीपी की भी समस्या है, ये हमेशा बनी रहती है या इसी मौसम में खास तौर पर होती है? ये मौसम जब समस्या जी, इसी मौसम में खास तौर पर ये समस्या देखने को मिलती है। आँखों में सूखापन रहता है, खुजली चलती है। बिल्कुल, आँखों में ड्राइनेस भी रहती है, तो ये क्या कारण हो सकते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर वर्मा? शिव कुमार जी, आपका सवाल जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जो सांस फूलती है सांस, तो इसके लिए अगर आप नियरेस्ट एक PFT का टेस्ट होता है, कंप्यूटर द्वारा फेफड़े की जाँच, वो भी करा सकते हैं आप डॉक्टर के पास नियरेस्ट अस्पताल में जाके, डिस्पेंसरी में। दूसरा जो है, स्किन ड्राइनेस भी प्रदूषण के कारण हो रही है, इसमें इनहेलर वगैरह भी डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, आपको जो सांस की नली में जकड़न फील हो रही है तो उसके कारण ये मेन होता है। दूसरा, मैंने ये नहीं मालूम कि आप स्मोकिंग भी करते हैं या नहीं, तो अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा तुरंत, या पैसिव स्मोकिंग है, आपके मित्र स्मोकिंग करते हैं तो पैसिव स्मोकिंग के कारण भी वो ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आप जल्दी से जल्दी
संपर्क भी करें। जैसे उन्होंने बताया कि आंखों में ड्राइनेस की समस्या काफी रहती है, प्रदूषण के कारण है, तो इसमें एक आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स भी आती हैं, वो आंख के नेत्र चिकित्सक से भी आप सलाह लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, इन्होंने जिक्र किया कि बीपी की भी समस्या है, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीपी हो गया, चाहे डायबिटीज हो गया, चाहे हृदय रोगी हो गए, ये तो लंबी चलती हुई बीमारी है, लोग इसमें सतर्क भी रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता है तो इन रोगियों को यहाँ पर हिदायत दी जाती है कि आप ज़्यादा सावधानियाँ बरतें, तो इस प्रदूषण के माहौल में, इस बदलते मौसम के माहौल में उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? इसमें रोगी को निरंतर और नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स रेगुलर लेनी चाहिए, शुगर की दवाई भी रेगुलर लेनी चाहिए, शुगर उनका जो है एक लेवल से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, जैसे कि खाना खाने के बाद 150 160 से ऊपर नहीं होना चाहिए, खाली पेट 110 तक 120 तक भी मतलब वो एक्सेप्टेबल लिमिट में रहता है जी। दूसरा, समय समय पर हर 3 महीने पर अपना शुगर का टेस्ट भी कराते रहना चाहिए, और जिन डॉक्टर साहब से, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, क्रॉनिक डिजीज हैं, तो इसकी दवाई लंबे समय तक चलती रहती है तो कंट्रोल रहता है, तो थोड़ा सा पोल्यूशन और प्रदूषण के समय, वायु प्रदूषण के समय ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, योगा भी करें, प्राणायाम भी करेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर आनंद मोरे जी भी इसके बारे में और बेहतर। बिल्कुल, इस संदर्भ में हम आयुर्वेद की दृष्टि से क्या कुछ किया जा सकता है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, हम जल्द ही हाजिर होंगे। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में। जी हाँ, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम सावधानियां बरत लें तो इन परेशानियों से हम कोसों दूर भी रह सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि जो हमारे हृदय रोगी होते हैं, चाहे अगर हमारे बात करें बाकी मरीज होते हैं, शुगर के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, वो किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं जब ऐसा माहौल हो जाए, चाहे मौसम बदलाव की बात करें, चाहे प्रदूषण की बात करें। अभी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी ने ब्रेक पर जाने से पहले जानकारी दी थी, अब मैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी इस संदर्भ में जानकारी लेना चाहूंगी। डॉक्टर मोरे, क्या कहेंगे आप? आयुर्वेद में त्रिदोष बताया है, वात, पित्त और कफ। इस वात, पित्त, कफ के अगर साम्यावस्था में रहेंगे तो शरीर का जो धारण होता है वो ठीक से चलता है, शरीर में जो जितनी भी क्रिया है वो ठीक से चलती रहती है। लेकिन इसमें अगर कोई दोष ऊपर नीचे हो गया, बढ़ गया या कम हो गया, तो उसके कारण अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है। और ठंड के सीज़न में स्पेशली वात जो है, वात वायु जो है, इस वायु का प्रकोप हो जाता है, वायु बढ़ता है, और जिसका असर ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे होता है, और उसके कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और इस प्रदूषण के कारण भी इस ब्लड प्रेशर पर असर होता है। इसके साथ साथ इन दिनों में स्पेशली हार्ट अटैक आने के प्रमाण भी है, वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है ठंड के सीज़न में, क्योंकि वहाँ पे वायु का प्रकोप हो जाता है। और इस सीज़न में दूसरा जो कारण है, कफ का भी प्रकोप होना है। इस कफ का भी असर इस प्राणों स्रोतस पर होता है, जिसके कारण यहाँ अलग अलग प्रकार की सर्दी खांसी की जैसी बीमारियाँ वहाँ पर हो सकती है। तो घरेलू नुस्खे में यहाँ पर आप डेली गर्म पानी का भाप ले सकते हैं, उस गर्म पानी में आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं और उसके वाप ले सकते हैं। और दूसरा जो नुस्खा है कि यहाँ पे आप शरीर पर या छाती पर तेल गर्म करके उसमें अगर सेंधव नमक डाल दिया और उससे अगर आप मसाज करते हैं तो भी उससे भी जो कफ हो रहा है या जो सांस की फूल रही है वो भी कम हो जाएगी।
बिल्कुल, तो देखिए ये कुछ हम कह सकते हैं आयुर्वेद के लिहाज से कुछ नुस्खे हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक आप इन समस्याओं से बचाव कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जय देवी मिश्रा जी फोन लाइन पर हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जय देवी मिश्रा, हेलो हेलो, जय देवी जी आपकी आवाज जो है वो साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है और ऐसे में समस्या आ रही है कि हम आपका सवाल नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप नेटवर्क एरिया में आकर हमें कॉल करें ताकि आपका सवाल हम सुन सकें और उसी के अनुसार हमारे जो विशेषज्ञ हैं जवाब आप तक पहुंचा सकें। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईमेल हमारे पास आ गई है जिन्हें मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूँगी और कानपुर से ये ईमेल आई है हमारे पास केदारनाथ सिंह जी की और डॉक्टर आनंद मोरे ये आपके लिए है। इन्होंने लिखा है कि 42 का हूं, मौसम बदलने पर खांसी बढ़ जाती है, आयुर्वेद में इसका क्या उपाय है? अच्छा सवाल किया, क्योंकि इन दिनों में सर्दी खांसी के पेशेंट जो है हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जी, तो इन दिनों में हमें जो सावधानियां बरतनी चाहिए, इसमें एक तो ठंड से हमें बचाव करना चाहिए और दूसरा है कि इन दिनों में हमें गर्म पानी पीना चाहिए, जो कोष्ण जल रहते हैं उस कोष्ण जल का सेवन करना चाहिए, यह आहार में थोड़ा परहेज रखना चाहिए, तली हुई चीज़ें या ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, दही का सेवन नहीं करना चाहिए, दही के कारण भी यहाँ पे कफ बढ़ता है और इस ठंड के सीजन में इसका असर निश्चित रूप से प्राणों स्रोत पर होता है जिसके कारण यहाँ खांसी जैसी बीमारी हो सकती है। इसके लिए अगर आप कोष्ण जल निरंतर सेवन करते रहे दिन भर तो इसका असर निश्चित रूप से होता है। इसके साथ साथ आप घरेलू नुस्खे में तुलसी का जो काढ़ा रहता है, तुलसी के पत्ते लेकर अगर उसका काढ़ा किया, पानी उबाल के वो पानी पिया तो भी इससे भी खांसी जो है कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो ये घरेलू नुस्खे हैं, जैसे आपको हो रही है समस्या कि मौसम बदलता है, सर्दी बढ़ती है तभी खांसी भी बढ़ जाती है, तो ऐसे में आप इस उपाय को भी अपना सकते हैं और कुछ सावधानियां बरतेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो समस्या है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल डॉक्टर वर्मा आप भी जोड़िए, कि इसमें जो है सुबह जैसे घूमने जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो जिस समय एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण ज़्यादा हो तो मेरी दर्शकों से एक गुजारिश है कि उस समय वो घूमने के लिए वो थोड़ा उसको अवॉइड करें, घूमने से मॉर्निंग वॉक से थोड़ा परहेज करें। बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि एक रूटीन बना हुआ है तो लोग चले ही जाते हैं, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना है कि प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, अभी आप बाहर ना निकलें। जब थोड़ा सा प्रदूषण का स्तर कम हो जाए तो बेझिझक आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए वॉक पर जाना जारी रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर वर्मा आपसे ही जानना चाहूँगी कि सर्दियों में अक्सर देखा जाता है कि ब्रोंकाइटिस की समस्या भी काफ़ी बढ़ जाती है, आम समस्या इसे मानते हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैडम, एक तो जो ड्राई एयर होने के कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, यूजुअली छोटे बच्चों में होती है जी, और अस्थमा के केसेस भी बढ़ते हैं और एल्डरली में बढ़ते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर करीब देखा जाए तो 3% अस्थमेटिक्स हैं, मतलब 30 मिलियंस बैठती है वो संख्या, और इसमें बच्चे भी शामिल हैं और बड़े लोगों को भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एल्डरली लोगों में भी है। तो ब्रोंकाइटिस के लिए थोड़ा सा हमें जागरूक रहना पड़ेगा, इमीडिएटली अपने नियर चिकित्सक से कांटेक्ट करें और वहाँ पर सलाह लें और स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं। कई बार भाप लेने से, स्टीम लेने से और बच्चे छोटे बच्चों को नेबुलाइज भी करना पड़ता है, तो उससे काफ़ी हद तक उसमें आराम जो है वो मिल सकता है, चाहे नेबुलाइज कर सकते हैं, स्टीम का दे सकते हैं। कुछ आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी कहना चाहेंगे डॉक्टर मोरे आप यहाँ पर, जो ब्रोंकाइटिस की समस्या है वो बच्चों में हम अक्सर देखते ही हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके अभिभावकों को? बच्चों में तो नेबुलाइजेशन नहीं कर सकते हम, लेकिन बड़े लोगों में हम भाप दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों में भाप लेने से कई बार स्टीम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बड़े लोगों में हम भाप का प्रयोग निश्चित रूप से कर सकते हैं और इसका निश्चित रूप से हमें असर भी हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ कुछ जो घरेलू मसाले हैं, जैसे दालचीनी है या काली मिर्च है, अदरक है, इसका अगर काढ़ा करके हम लेते हैं तो इसका भी हमें बहुत अच्छा
परिणाम शरीर पर दिखाई देता है। कोविड के दिनों में हमने एक स्वास्थ्य रक्षक काढ़ा दिया था जी। उस स्वास्थ्य रक्षक काढ़े का बहुत अच्छा परिणाम हमें कोविड के दिनों में भी दिखाई दिया था। यही घरेलू अगर मसाले अगर हम इसका काढ़ा करके पीते हैं तो भी इसका बहुत अच्छा परिणाम हमें दिखाई देता है, जो ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी हमें कम हो सकती है उसके कारण। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो कोविड के समय में काढ़े ने हम सभी की रक्षा की थी वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद के लिहाज से इलाज उसे माना जा सकता है, और अपनी जो ये समस्या है, चाहे सांस लेने की समस्या हो, ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, इससे काफ़ी हद तक हम जो आराम है वो पा सकते हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगी। एक कॉलर ने भी जिक्र किया था कि अक्सर जब इस मौसम में चलते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने ज़्यादा लगती है, तो ये आम लोगों में तो होता ही है। अगर हम बात करें बच्चों की, हमने बात के लिए गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्हें तो अक्सर ये समस्या रहती ही है, तो उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? प्रदूषण में गर्भवती महिलाओं में भी ये और सांस फूलना, श्वसन रोग की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसमें हमें अल्टीमेटली इनहेलर्स भी शुरू करने पड़ते हैं, और इनहेलर्स आर सेफ, इनहेलर सेफ हैं, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कई बड़ा मिथ है कि इनहेलर लेने से उसकी आदत पड़ जाती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि इनहेलर सेफ हैं, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। दूसरे देशों में, विकसित देशों में ये बहुत पहले से प्रणाली यूज हो रही है, तो इनहेलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट से भी ज़्यादा सेफ और इफ़ेक्टिव और इमीडिएटली काम करती है, विद इन 5-10 मिनट्स ही पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर की सलाह पर इनहेलर उचित टाइम पर लिया जाए, वो भी अपनी मर्जी से नहीं, आप क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाकर इनहेलर्स और श्वास रोग विशेषज्ञ से मिलकर अपना इलाज चालू कर सकते। बिल्कुल, यही सलाह एक और हम लेना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों के लिए कि अक्सर हमने भी यहाँ से बता दिया कि आसपास से किसी से सुन लिया, अपने आप से दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं या केमिस्ट से लेना शुरू कर देते हैं जिससे आराम नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में हमारे दर्शकों को सलाह क्या देंगे? तो आजकल भारत सरकार की तरफ से इतने सारे औषधालय और ऑल ओवर इंडिया एम्स भी खुल गए हैं, और पीएससी सेंटर, सीएससी और हर जगह और सब सेंटर्स भी हैं, तो जहाँ पर भरपूर मात्रा में इस चिकित्सा स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ सब मौजूद हैं जी, तो उनके आप सहायता ले सकते हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर को सीएससी लेवल पे भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, किसी डॉक्टर की सलाह पर ही दवाओं का सेवन करना यहाँ पर बिल्कुल सही रहता है। खुद का डॉक्टर बनेंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर विपरीत भी पड़ सकता है आपके स्वास्थ्य पर, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे, हरियाणा से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बालकृष्ण जी, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैं जी बालकिशन शर्मा बहादुरगढ़ से बोल रहा हूँ जी। मैं सांस की दिक्कत रहती है। सांस की दिक्कत कब से है? ये पहले से है या अभी हाल फिलहाल में हुई है? नहीं, काफी दिनों से है। वैसे मैं 65 से अबाव हूँ उम्र में जी, तो मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि थोड़ा बहुत धुआं हुआ जो आजकल जो चल रहा है पोल्यूशन, इससे कोई समाधान हो जाए थोड़ा बहुत। बिल्कुल, 65 वर्ष इनकी उम्र है। डॉक्टर, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? शर्मा जी, ये आपको थोड़ा बस प्रदूषण के हिसाब से ध्यान, बाहर सुबह सुबह जल्दी नहीं निकलना, अगर कोहरा छाया हुआ है तो उसको अवॉइड करना है, और अगर स्मोकिंग या हुक्का वगैरह जैसे ऐसा आप सेवन तो नहीं करते, हुक्का बीड़ी वगैरह का, तो उसको बंद कर दीजिए। सबसे अच्छी सलाह तो मेरी यही है, और वैसे तो आप स्वस्थ हैं अब तक, और बीच में कोई दिक्कत होती है, छोटी मोटी दिक्कत है, तो शुरुआत में ही आप अपना मेडिसिन शुरू कर सकते हैं नियर बाई डॉक्टर को दिखाकर। जी बिल्कुल, तो अगर इस तरह की कोई समस्या हो रही है तो आप निकटतम जो भी चिकित्सालय है उसका रुख कर सकते हैं और कुछ सावधानियां जरूर बरत सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे, और जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि सांसें तेज चलना, गहरी सांस ना ले पाना, परेशानी होना, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका सामना कभी कभार हम सभी को करना पड़ता है, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किन रोगों का संकेत ये हो सकते हैं। आइए समझते हैं सांसों के इशारों को। हमारी जीवन रेखा हमारी सांस है, श्वास के बिना जीवन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता।
यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जो पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाती है, लेकिन कई लोगों को सांस की समस्याएं भी होती हैं। हालांकि सांसों का तेज चलना, गहरी सांस न ले पाना, ऐसी कुछ बातें हैं जिसका सामना कभी कभार सबको करना पड़ता है, लेकिन लंबे समय तक इसका बने रहना ठीक नहीं होता। गौरतलब है कि हमारी सांस तब फूलती है जब मस्तिष्क से मिलने वाला संकेत फेफड़ों को सांस की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश देता है, कुछ इस तरह। सांस की ही एक गंभीर बीमारी है दमा यानी अस्थमा, जो किसी भी व्यक्ति के उम्र को प्रभावित कर सकती है। गौरतलब है कि सामान्य श्वसन क्रिया में हवा नाक से प्रवेश करके श्वास नली से होते हुए फेफड़े और ब्रोंकाइल ट्यूब तक पहुंचती है, फिर ऑक्सीजन रक्त में शामिल होकर हृदय से होते हुए सारे शरीर में संचालित हो जाती है। लेकिन अस्थमा या दमा है क्या, इसे समझने के लिए फेफड़ों की बनावट को समझते हैं कुछ इस प्रकार। यदि हम पेड़ को उल्टा खड़ा करने की कल्पना करें, यानी जड़ें ऊपर की ओर, अब पेड़ के तने को सांस की वो मुख्य नली यानी विंड पाइप माने, जो गले से उतर के फेफड़ों तक जाती है। यह मोटे कार्टिलेज की बनी होती है जो सिकुड़ती नहीं, और इस तने से जुड़ी होती है पेड़ की छोटी बड़ी शाखाएं। जी हाँ, देखिए इसे, ये है श्वास नलिकाएं, जिसकी दीवारें पतले कार्टिलेज की है, इसलिए सिकुड़ती भी है। जाहिर है, फेफड़ों तक साफ हवा पहुंचाने वाली नलिकाएं जब पतली हो जाएगी तो दम भी फूलेगा और इंसान को सांस लेने में तकलीफ भी होगी। यही है दमा यानी अस्थमा। यदि कार्लो की बात करें तो जहां बहुत से लोगों को बदलते मौसम से एलर्जी हो जाती है, तो कईयों को किसी खास प्रकार की गंध बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन बड़ा कारण है प्रदूषण और धूल मिट्टी। गौरतलब है कि आज भी अधिकतर लोग केरोसिन या लकड़ी से निकलने वाले धुएं में सांस लेते हैं, जो अस्थमा का प्रमुख कारण बनता है। कई बार अनुवांशिकता और सिगरेट का धुआं भी दमे का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि अस्थमा अक्सर खांसी और जुकाम से शुरू होता है, लेकिन आमतौर पर इसे लोग गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग तो इसे सामान्य श्वसन रोग समझने की भूल कर बैठते हैं। बता दें कि अस्थमा भले ही सांसों की बीमारी हो, लेकिन यह पूरे शरीर को प्रभावित करती है। इससे पहले कि दमा का दम न कर दे आपको बेदम, जरूरत है जागरूकता की, सांसों के उस इशारे को समझने की जो आपके और हमारे जीवन का आधार है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, बहुत जरूरत है सांसों के इशारे को समझने की, और इसे विस्तार से हम और भी समझेंगे हमारे विशेषज्ञों से। लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। बिहार से उमेश जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं वो बहुत इधर सांस लेने में दिक्कत होते रहता है, धूल मिट्टी बहुत उड़ते रहता है। धूल मिट्टी के चलते सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ होता है, बिल्कुल। और भी कोई परेशानी हो रही है? ओ मैम, ओ जॉन्डिस तो सही नहीं हो रहा है उसके बारे में। बिल्कुल, जॉन्डिस की भी यहाँ पर समस्या है। तो ऐसे में डॉक्टर मोरे, क्या आप कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? आपको पहले से सांस की बीमारी है या अभी ठंड के दिनों में ज्यादा बढ़ गई है? लगता है डॉक्टर साहब से संपर्क जो है वो टूट गया है। आप बताएं इन्हें, जो ये कह रहे हैं कि सांस की समस्या हो रही है इनको और जॉन्डिस भी जो ठीक नहीं हो पा रहा है इन दिनों में। स्पेशली जैसे हमने बताया कि ठंड के दिनों में अस्थमेटिक पेशेंट जो है इनको ज़्यादा तकलीफ होती है, तो हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्योंकि इन ठंड का असर जो है ये प्राणों स्रोत पर होता है, फेफड़ों पर होता है, जिसके कारण यहाँ इस तमक श्वास के या अस्थमा के अटैक्स आते हैं या वेग आते हैं। तो हमें इससे बचने के लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, आहार में चेंज करना चाहिए, विहार में चेंज करना चाहिए, और इसके साथ साथ
यहाँ पे हमें कुछ योगासन करना चाहिए, योग तज्ञ के मार्गदर्शन में कुछ योगासन का भी यहाँ पे हमें उपयोग करना चाहिए। अब आपकी जॉन्डिस ठीक नहीं हो रही है, ये शायद आपका दूसरा कुछ कारण हो सकता है, इसके लिए आपको वैद्यकीय सलाह के सरे वहाँ पे औषधि लेना चाहिए या किसी डॉक्टर से संपर्क कीजिए नज़दीक के। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ी सी सावधानियाँ बरतिए और डॉक्टर से पूरा संपर्क कीजिए, जो जो आपको यहाँ पर इलाज बताए जा रहे हैं वही आप इलाज पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होगा। डॉक्टर वर्मा भी यहाँ पर कुछ जोड़ना चाहेंगे। दूसरा मैं इस बारे में कहूँगा, कई बार किसान लोगों को मार्च अप्रैल जो गेहूँ का सीजन होता है जब फसल काटी जाती है उस समय भी फार्मर्स लंग मतलब ऐसे जकड़न और अस्थमा, किसी किसी को हाइपर सेंसिटिविटी होती है जी, तो उसमें भी उन्हें अस्थमा लाइक सिम्टम हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी हो जाती है एलर्जन। कुछ प्लांट्स का जो डस्ट है वो भी सूखा जो वो है गेहूं से निकलने वाला तो वो अंदर जाने की वजह से भी एलर्जी कुछ कुछ लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी कारण हो जाती है, तो अस्थमा दमा जैसे सिम्टम उस सीजन में पर्टिकुलरली हो जाता देखने है। को मिलते हैं यहाँ पर, तो ऐसे में बिल्कुल अपने आप को कवर करके ही अगर आप खेतों में कार्य करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी सावधानी रहेगी आपके लिए। तो जैसे हम जिक्र कर रहे हैं लगातार यहाँ पर कि अस्थमा की समस्या इस समय बढ़ जाती है, दमा जो है वो परेशान करता है रोगियों को, तो ऐसे में आपसे यही जानना चाहेंगे, रिपोर्ट में भी हमने समझा है, आपसे भी डॉक्टर वर्मा जानना चाहेंगे अस्थमा है क्या और कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं, लक्षण क्या रहते हैं इसके? इसमें बेसिकली दो तीन मुख्य लक्षण होते हैं, एक तो सांस फूलना धीरे धीरे या फिर सीटी जैसी आवाज़ आना सांस लेने में, कई बार छोटे बच्चों के अंदर पसली चलना ऐसे बोल देते हैं कि पसली चल रही है, माताएं उसे अस्पताल लेके आती हैं कि पसली चलना, या वो और बच्चों के मुकाबले कम खेल पा रहा है, उसको थोड़ा खेलने में बच्चों के साथ दिक्कत हो रही है, जल्दी थक जाता है, या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान उसको जो है ब्रेस्ट फीडिंग में जो है उसको बार बार जो है मिल्क छोड़ देता है, तो इस तरह का भी सिम्टम्स छोटे बच्चों में होते हैं। बड़े लोगों में रात में चेस्ट टाइटनेस, सांस फूलना, विंडो की तरफ खिड़की की तरफ जाना, तो ये सारे उसके लक्षण होते हैं, तो इसके लिए एक अनुभवी चेस्ट फिजिशियन से आप मिलकर सलाह ले सकते हैं और दवाई और इनहेलर से इसका इलाज 100% अस्थमा के बारे में काफ़ी हद तक ये क्यूरेबल है। कोई कोई ब्रिटल अस्थमा होते हैं जो सीरियस केस होते हैं वो भी हैंडल हो जाते हैं। बिल्कुल, अस्थमा की जो शुरुआत है वो कब होती है, बच्चों में ही हो जाती है या फिर अगर हम बात करें एडल्ट्स की तो उसमें भी ये समस्या उजागर हो सकती है? कुछ में तो बच्चों में ही शुरुआत बचपन से ही हो जाती है तो उनमें दिक्कत रहती है, 10-15% बच्चों में अस्थमा के सर्वे में पाया गया है दिल्ली में कि उनके अंदर ये इस तरह के लक्षण आते हैं, तो वो धीरे धीरे समय के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। एक रूरल अस्थमा और एक अर्बन अस्थमा, मतलब अर्बन जो चिल्ड्रन है उनमें भी देखा गया है और रूरल में कम देखा गया, अर्बन में पोल्यूशन के कारण, सिटी में रहने वाले बच्चों में ज्यादा ये लक्षण प्रदूषण के चलते ये लक्षण ज्यादा उजागर होते हैं, समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर। तो कुछ लोग को एडल्टहुड में या एल्डरली एज में भी अस्थमा होता है जो प्रौढ़ावस्था में होता है, उसमें और भी कारण होते हैं, हार्ट का कम्प्रोमाइज होने के कारण भी कई बार होता है, या उनको जो है पोल्यूशन में काम किया, ऑक्यूपेशनल अस्थमा जैसे उनका जो व्यवसाय रहा है उसके कारण भी, जैसे कि किसी क्लॉथ फैक्ट्री में काम किया है, कॉटन फैक्ट्री में काम किया है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जाने से समस्या जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्कर हैं तो सीमेंट का एक्सपोजर हो गया, बदरपुर का हो गया, मूर्तिकार हैं राजस्थान में जो पत्थर कटिंग का स्टोन कटिंग में उन्होंने काम किया है, उसके कारण भी अस्थमा जैसे सिम्टम्स होने लगते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ लक्षण हैं और कुछ कारण हैं जिसके चलते ये समस्याएं हो सकती हैं, तो ऐसे में हमें इनके प्रति जागरूक और सतर्क रहना ज़रूरी है ताकि हम सही समय पर इलाज करवा सकें। बढ़ते हैं आगे, हरियाणा से सूबे सिंह जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, ये मैं कह रहा था कि मेरे जो है ना, ये हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है? पहुंच रही है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ जी कि जैसे मैं थोड़ा चलता हूँ ना तो थोड़ा सांस फूल जाता है जी। जी, सांस फूल जाता है जी, जैसे थोड़ा चलता हूँ, कभी थोड़ा ऐसे झुकता हूँ तो जी चक्कर आता है। आपकी उम्र क्या है? है जी, उम्र आपकी क्या है? उम्र तो 65 के करीब है जी, 65-70।
65 के करीब उम्र है, जब चलते हैं तो सांस फूलता है और झुकते हैं तो चक्कर से आने लगते हैं। कभी आपने ब्लड प्रेशर चेक कराया है सुबे सिंह जी? अपना बीपी चेक कराया था क्या कभी? है जी, ब्लड प्रेशर कभी बीपी आपने चेक करवाया है? बीपी करेक्ट है जी, बीपी ठीक है जी। अच्छा, बीपी ठीक, बीपी भी ठीक है जी, शुगर भी ठीक है। स्मोकिंग का सेवन तो नहीं कुछ ऐसे? कभी कभी ना जी, मेरे पीठ में भी दर्द रहता है, ये पीछे पीठ में और आगे ये छाती पे भी थोड़ा दबाव सा रहता है। जहाँ तक सांस फूलने का सवाल है तो उसमें आपको जो है थोड़ा प्रदूषण के कारण भी हो सकता है ये बढ़ गई हो समस्या, तो ये आपको जो है इसके लिए दवाई नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाना पड़ेगा और फेफड़ों की जाँच से भी मालूम पड़ जाएगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमीटरी कहते हैं, PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उसके द्वारा बिल्कुल एक्यूरेट हमें पता लग सकता है कि आपके फेफड़े में क्या समस्या है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक बारी जांच करवा लीजिए, जो भी संभावित कारण होंगे उसके चलते आप उसके अनुसार इलाज मिल पाएगा आपको और आप अपने आप को स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख पाएंगे। बिल्कुल, ऐसी ही अहम जानकारियाँ, खास जानकारियाँ लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान, बने रहिए दूरदर्शन के साथ। पर फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुँचे हैं चंबल के बिहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहाँ पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें, देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याओं के बारे में, उनके निदान के बारे में, और हमारे विशेषज्ञ लगातार आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके पास कोई भी सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या हमसे साझा कर सकते हैं। अब समय काफी कम रह गया है तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए और नेटवर्क एरिया में आकर बात कीजिए। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे थे कि किस उम्र में हो सकता है। आपने कहा था डॉक्टर वर्मा कि बचपन में ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो ऐसा क्या मान सकते हैं कि बचपन में अस्थमा नहीं हुआ तो बड़े होकर नहीं हो सकता? ऑक्यूपेशनल अस्थमा तो आपने बताया कि आम तौर पर वैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में ये समस्या उजागर हो सकती है। ज्यादातर केसेस में बचपन से शुरुआत हो जाती है, और लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बड़े होकर नहीं हो सकता। बहुत सारे रीजन, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे पोल्यूशन ही एक उसमें से हो गया कॉमन, या एक एक्सप्रेशन एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी, उसके अंदर पेशेंट में कुछ लोग को एलर्जी होती है, कुछ को नहीं होती, तो उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है पेशेंट का, उसके बेसिस पे, और उसकी फूड हैबिट्स, फूड इंड्यूस्ड अस्थमा भी हो जाता है कई बार, कई बार गैस्ट्राइटिस रहती है उसके बाद भी अस्थमा के सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो अस्थमा लाइक सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ओल्ड एल्डरली एज ग्रुप में COPD एक बीमारी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वो अस्थमा से कंफ्यूज करते हैं लोग। COPD का कारण होता है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, हुक्का स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग जी। जैसे कि अगर कोई आदमी ज़्यादा नंबर ऑफ सिगरेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो कोई 5 ले रहे हैं, कोई 10 ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ, सपोज करिए अगर 1 ग्राम टोबैको 1 सिगरेट में, तो 10 सिगरेट पिया तो 10 ग्राम हो गया, और 1 मंथ में 30 से मल्टीप्लाई कर दिए और 1 साल में कितना हो गया, तो उसका सारा टोबैको की जो फ्यूम्स है और जो उसकी वो है कार्बन, वो अंदर जाके फेफड़ों को परमानेंट डैमेज करती है, तो वही COPD में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी जानकारी निकल कर आ रही है कि
ऐसा नहीं है कि बचपन में नहीं हुआ तो बड़े होकर नहीं हो सकता, हो सकता है अस्थमा, ऐसे में हमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और COPD और अस्थमा में हमें क्या अंतर पहचान करना है, ये हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से बताया है। अब मैं थोड़ा आयुर्वेद के लिहाज से भी यहाँ पर जानना चाहूँगी, डॉक्टर मोरे आपके पास आना चाहूँगी। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हम लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव कर लें, खान पान में थोड़ा सा बदलाव कर लें, तो काफ़ी हद तक समस्याओं से हम बच सकते हैं, तो अस्थमा के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही लाइफस्टाइल जो है यहाँ पे असर दिखाएंगी। यहाँ पे हमें आहार में चेंज करने चाहिए, विहार में चेंज करना चाहिए, और इसके साथ साथ जो हम डेली आहार लेते हैं उस आहार में तले हुए पदार्थ बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, ठंडे पदार्थ नहीं खाने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए जी। दही जो हम खाते हैं वो दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली इन दिनों में ठंड के दिनों में तो दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही खाने के बाद तो वहाँ तुरंत निश्चित रूप से सर्दी जुकाम जैसी या अस्थमा जैसी बीमारी वहाँ पे लक्षण दिखाई देते हैं। विहार में हमें दिन में खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, जागते रहना चाहिए, और शाम को जो है शाम का खाना जो है हमें सूर्यास्त के पहले खाना चाहिए, 6 बजे के आसपास खाना चाहिए। रात को भी हम अगर छाती पे तेल और सेंधो नमक एक गरम करके अगर हम वहाँ पे मसाज करते तो वहाँ पे भी उसका जो सांस की बीमारी होती है वो भी लक्षण उसके कम हो सकते हैं। लाइफस्टाइल में इस प्रकार के अगर हम बदलाव करते हैं तो वहाँ पे निश्चित रूप से हमें बहुत सारे आराम मिल सकता है, बहुत सारे फायदे यहाँ पर मिल सकते हैं। और आयुर्वेद का भी एक बदलाव करना है जी, आयुर्वेद का एक अगर पंचकर्म एक हमारी स्पेशलिटी है जो चिकित्सा के माध्यम से हम करते हैं, तो पंचकर्म के माध्यम से अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं शरीर का, तो शरीर में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हम बाहर निकालते हैं इस पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से। तो अगर ये स्वस्थ अवस्था में भी इस पंचकर्म चिकित्सा का अगर अवलंब करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती। और तीसरा है हम इम्यूनिटी को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, जो वैदिक क्षमता रहता है, अगर किसी भी व्यक्ति का वैदिक क्षमता अच्छा हो तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की बीमारी होने के चांसेस कम रहते हैं। हमने कोविड के दिनों में देखा कि जिन लोगों में वैदिक क्षमता कम था उन लोगों में उसके लक्षण जल्दी प्रभावित हुए, तो इसमें अगर हम इस वैदिक क्षमता बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे फायदा होगा। और इसके लिए हमारे आयुर्वेद में एक रसायन चिकित्सा का वर्णन किया है कि इस रसायन चिकित्सा के माध्यम से वहाँ पे शरीर का बल बढ़ा सकते हैं, और शरीर का बल अगर बढ़ाया तो वहाँ पे व्याधि होने के चांसेस कम होते हैं, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो तो काफी स्ट्रॉन्ग लक्षण कम होते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ बातें हैं, अगर हम बदलाव करते हैं, इन पर ध्यान देते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं चाहे मौसम कैसा भी हो। बढ़ते हैं आगे, महाराष्ट्र से हमारे साथ मानक देसाई जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मानिक देसाई बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से जी, अपना सवाल पूछिए। इन्वेलर में अभी ले रहा हूँ 6-7 साल से, 6-7 साल से आप इन्हेलर ले रहे हैं? हाँ, 6-7 साल से इन्हेलर ले रहे हैं, और कितने का प्रॉब्लम वो भी वो चेंज करती कितने के लिए कितना और कर। आपकी आवाज़ जो है स्पष्ट तौर पर हम सुन नहीं पा रहे हैं, जितना हम समझ पाए हैं कि आप 6-7 सालों से इनहेलर ले रहे हैं। मानक जी, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे को समझ में आया कि इनहेलर ले रहे हैं, शायद आपको अब इनहेलर से फायदा नहीं हो रहा है जी। तो उस कंडीशन में दो बातें हैं, या तो आपकी इनहेलर टेक्निक इनहेलेशन टेक्निक जो है वो क्लियर नहीं है, इनहेलेशन टेक्निक के लिए आपको अपने नियरेस्ट चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा कैसे इनहेलर लेने का तरीका है। दूसरा, उसके अंदर कैनिस्टर में दवाई खत्म हो जाती है, इनहेलर तो लेते रहते हैं, वो मतलब प्रेस करते हैं उसको लेते हैं, वो चलता रहता है, बट उसमें एक रेड इंडिकेटर आता है आजकल, उससे पता लग जाता है कि अंदर मेडिसिन है या नहीं है। अगर मेडिसिन ही खत्म हो गई है और आप बाई चांस किसी कारण से खरीद ही नहीं पाए हैं और 6 महीने से लगातार ले रहे हैं, तो उसमें इफेक्टिव दवाई नहीं निकल रही, तो जो मॉलिक्यूल है वो नहीं है दवाई का। तीसरा कारण है कि इनहेलर बदलने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, कि अगर आपके सिम्टम इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, लक्षणों में वृद्धि हो रही है, तो दूसरे प्रकार का इनहेलर देना पड़ता है, ये डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे आपके। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नियर बाई जाके
अपने स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं और उन्हें अपनी समस्या बताएं। बिल्कुल, एक बार जांच यहाँ पर जरूर करवा लें, डॉक्टर का परामर्श जरूर ले लें। और बहुत सारे कॉलर्स या फिर कहीं दर्शक के जो सवाल हैं हमारे पास आ चुके हैं ईमेल के माध्यम से भी, उन्हें भी मैं जल्द से जल्द कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। पानीपत से पीएन ओझा जी ने एक सवाल भेजा है कि मेरे पिता की जो उम्र है 73 है, उन्हें सीओपीडी की बीमारी है, दवा लेने पर स्थायी राहत नहीं मिलती, आयुर्वेद में कुछ बताइए। डॉक्टर मोरे क्या कहेंगे? आयुर्वेद में यहाँ पे सीओपीडी के लिए निश्चित रूप से चिकित्सा है, लेकिन यहाँ पे वैद्य के मार्गदर्शन में यहाँ पे हमें चिकित्सा लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप अगर जांच की है उस तो सही ढंग से अगर उस जांच पहले करनी चाहिए तज्ञ मार्गदर्शन में, किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अगर वह उसका कारण क्या है वो भी देखना चाहिए। और आयुर्वेद में जो योगासन बताया है उस योगासन का अवलंबन करना चाहिए, जिसमें कुछ कपालभाति हो या अनुलोम विलोम हो या भस्त्रिका हो, तो ये तज्ञ मार्गदर्शन के से वहाँ पे आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप इस ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ एक और ईमेल है संजीव चट्टोपाध्याय जी की नोएडा से, और इन्होंने लिखा है कि पत्नी को एमडीआर टीबी था, ये ठीक हो गया मगर सांस फूलने की समस्या अभी भी बनी हुई है। डॉक्टर वर्मा क्या कहेंगे आप इन्हें? इस कंडीशन में एमडीआर टीबी थोड़ा सा डिफिकल्ट टू ट्रीट टीबी होती है, तो इसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है, 1.5-2 साल। वो ठीक हो गया जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन ठीक होने के बाद भी वो फेफड़ों में सिकुड़न पैदा कर देता है, तो रोगी को आगे चल के थोड़ा थोड़ा सा सांस फूलने की तकलीफ रहती है। इवन टीबी के बाद भी अस्थमा लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं, जो कि जैसा आप बता रहे हैं कुछ लक्षण वैसे ही हैं। तो इस कंडीशन में रोटा कैप और इनहेलर देने से भी फ़ायदा हो सकता है। आप नियरेस्ट सेंटर में नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट है मेहरौली कुतुब मीनार या हमारे यहाँ आकर इस बारे में सलाह ले सकते हैं। दूसरा, समय समय पर उसका साल में 2 बार बलगम जांच भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। अंतिम सवाल डॉक्टर मोरे आपके लिए, संगीता जी ने भेजा है फैजाबाद से कि बार बार छींके आती हैं, सीने में जकड़न रहती है, क्या करें, एलर्जी है या फिर क्या कोई और समस्या? अगर इन्हीं दिनों में आती हो तो प्रदूषण के कारण एलर्जी हो सकती है जी, लेकिन अगर ये 12 महीने हो रही है तो उसका हमें कारण भी देखना चाहिए कि उसके आहार विहार में क्या वो सेवन करती है, उस आहार विहार का असर उस पर हो सकता है। तो वहाँ पे एलर्जन अगर टेस्ट किया हो तो एलर्जन टेस्टिंग के लिए, अगर जिस एलर्जन के कारण वो तकलीफ हो रही है उस एलर्जन को हमें अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल अभी अभी मेरे पास आया जिसे मैं जल्द से शामिल कर लेती हूँ। उपेंद्र खुशवाहा जी का आया समस्तीपुर बिहार से, 50 वर्ष की मेरी माँ हैं, उनकी सांस फूलती है, जरा सा काम करने पर तेज सांस चलने लगती है। डॉक्टर वर्मा क्या सलाह रहेगी आपकी? उन्हें अपनी माता जी का एक तो ब्लड प्रेशर भी चेक कराना चाहिए, कई बार हार्ट से वाले रिलेटेड इश्यूज भी आने लगते हैं 50 ईयर एज में। और दूसरा जो है, क्या वो पहले से ही श्वसन रोग या रेस्पिरेटरी सिम्टम से पीड़ित हैं या अभी अभी सब ये डेवलप हुआ है, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। बिल्कुल, एक बार टेस्ट यहाँ पर जरूर करवा लें, उसके बाद ही डॉक्टर सलाह देंगे उसके अनुसार वेट गेन तो नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, डायबिटीज भी चेक। तो दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में प्रदूषण से होने वाली समस्याओं के प्रति हमने आपको जागरूक किया है। हमारे विशेषज्ञों ने बहुत ही अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप दोनों का ही। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें, लगातार हम आपके आभारी रहते हैं। प्रयागराज से नीतू चंदेल जी ने हमें लिखा है कि सुबह उठते ही उन्हें छींके आती हैं और हर मौसम में उन्हें जुकाम रहता है। महाराष्ट्र के सेवई सिंह जी ने पूछा है कि क्या माइग्रेन की समस्या को आयुर्वेद के जरिए जड़ से खत्म किया जा सकता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखें और समाधान लेकर हाजिर हों, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम के माध्यम से 2 दिन पूर्व ही टीवी के माध्यम से हम दे देंगे। आप हमें लगातार लिखते रहें, ईमेल करते रहें, इसके लिए सबसे पहले तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। ईमेल आईडी है swastkisanlive@gmail.com। जी हाँ, इसके माध्यम से आप अपने जो भी सवाल हैं, समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बता दें आपको आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन के साथ देखते रहिए। नमस्कार।